ये भी माशाल्लाह से लो, ओ थोड़ा सा तंग कर रहा है भाई जान। एक मिनट देख के माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जवाब नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किंग कराची अली खान। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? इतने दिन बाद आज आपका भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद के बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और काफ़ी दिन बाद जो है वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि कराची का मौसम, बारिशें और जो है वो कीचड़ गंद, जिसकी वजह से जो है वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के जो है वो आज जो है सोचा कि एक व्लॉगिंग व्लॉग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पंजाब से माशाल्लाह से माल आया है और उसकी आज मैं आपको लोडिंग दिखाऊंगा, अनलोडिंग नहीं दिखाऊंगा। और तीन बच्चे पंजाब से मंगवा के दिए हैं माशाल्लाह से नामवर फार्मर को, जिनके उन नामवर फार्मरों से एक हमारे जो है वो राफे भाई आज हमारे साथ है और इन्हीं के फार्म पर मैं मौजूद हूँ। राफे भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस क्लास मज़े में हो? और सुनाओ ईद के बाद क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, काम ही चल रहा है, अभी बारिश होने लगाई है। बारिशों की वजह से जो है वो सबके इस वक्त काम ख़राब हुए हुए हैं, तो मैंने सोचा आज व्लॉग करते हैं। आपको राफे भाई का भी माल दिखाऊंगा, फोर सेल का एक आधा बछड़ा है, वीआईपी की किस्म का, काले जट काले ब्लैक में एक बछड़ा इनके पास खड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और जो इनको बछड़ा दिया है वो भी दिखाता हूँ, और जो दो बछड़े लोड करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा जो जाएंगे जमील मेमन पर, तो उनकी लोडिंग आपको दिखाता हूँ। और बकराईद वाला मज़ा आपको मिलेगा ओनली किंग कराची अली खान यूट्यूब चैनल पर। आपको बड़े बड़े शौकीन तो जो है वो बकराईद में नज़र आते होंगे, लेकिन जो है वो किंग कराची अली खान आपको 12 महीने नज़र आएगा। क्यों ऐसा ही है राफे? बिल्कुल मज़ा आता है आपको मेरे साथ। और राफे जो है वो माशाल्लाह से इस वक्त कराची का नामवर फार्मर है, टॉप क्लास फार्मरों में इसका जो है वो नाम आता है राफे का। राफे की हंसी मुझे जो है वो बहुत प्यारी लगती है। राफे ज़रा हंस के दिखा दे यार, माशाल्लाह से राफे हंसता है, राफे के दांत जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। तो भाई अभी जो है वो थोड़ा सा, राफे क्या मंगाया? बोतल बोलते हैं यार भाई, राफे ने मंगाई है बोतल, तो अभी ज़रा बोतल समोसे वमोसे खाएंगे। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ बछड़े जो जाएंगे जमील मेमन पे, और जो राफे को दिया है वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो फोर सेल नहीं है, वो इसने किसी और को सेल किया है और वो पलाई पे इसके पास ही है। तो ये खानपुर से पंजाब से बछड़े आए हैं वो आपको दिखाते हैं, और कुछ मज़ीद जो इसके पास फोर सेल का बछड़ा है वो भी दिखाते हैं, शौक को गर्माते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर किंग कराची अली खान पे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाल बटन साइड में होता है उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। तो चलिए आपको चलते हैं बछड़ों की तरफ लेके चलता हूँ, लोडिंग करेंगे बछड़ों की, बछड़े दिखाते हैं और फिर इस व्लॉग को करेंगे एंड। आओ तो फिर चलो मेरे नाल। चले जी दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले कुछ राफे से थोड़ी मोटी जो है वो इसके फार्म के हवाले से कुछ मालूमात ले लेते हैं। अच्छा राफे, ये बताओ कि सबसे पहले आपके पास अभी इस वक्त पलाई के लिए कितना स्पेस है जानवरों के लिए? यार तकरीबन 8-10 जानवर की जगह मौजूद है। 8-10 जानवरों की जगह मौजूद है? अच्छा दोस्तों, 8-10 जानवरों की जगह अभी इनके पास पलाई के लिए मौजूद है, और इनका बाड़ा जो है वो है अयूब कोट के अंदर, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। और माशाल्लाह से जो मेन सिटी शहर के अंदर जो शौक रखने वाले हज़रात हैं वो यहाँ पर बाड़े पे आकर विज़िट करें। मैं भी आपको इसकी जो है वो कुछ यहाँ जानवर जो हैं वो दिखाता हूँ, तब आपको पलाई का भी अंदाज़ा होगा। अच्छा राफे, जैसे 2023 का सीज़न शुरू हो गया है माशाल्लाह, और पूरा साल पड़ा है, तो ये बताओ कि अगर कोई पलाई पे आपके पास आता है मेरे तवस्सुल से या रेफरेंस से, जो भी इस चैनल के रेफरेंस है, तो पलाई के क्या चार्जेज़ आप लोगे, और उस पलाई के चार्जेज़ में जो है वो जो जो आपके पास कैटेगरीज़ हैं वो बता दो, और उन कैटेगरीज़ में क्या क्या आप जानवर को प्रोवाइड करोगे वो ज़रा सा गाइड कर दो। अली भाई, पलाई हमारे यहाँ पे 30,000 रुपये सही है, 25 भी लेते हैं, 30 भी लेते हैं। ठीक है, कम से कम पलाई कितनी है? कम से कम 25,000 रुपये। कम से कम 25,000 रुपये, यानी कि भाई 15-16-18 हज़ार वाली यहाँ पर कोई कहानी नहीं है। ठीक है, बात ये 15-16 में हम भी पाल दें, लेकिन पलेगा क्या? पलेगा क्या, बात वही है, पलेगा क्या। अच्छा 25,000 और 30,000 वाली पलाई में क्या डिफरेंस है, और अगर कोई 25,000 वाली पलाई कराएगा तो उसको क्या जानवर को आप प्रोवाइड करोगे, और 30,000 रुपये जो पलवाएगा उसको क्या प्रोवाइड करोगे? 30,000 वाली पलाई में सारी चीज़ें वैसी होंगी, प्लस उसमें बस दूध ऐड हो जाएगा। बस दूध दोगे? दूध ऐड हो जाएगा, और बकाया वंडा जो होता है वो पूरा प्रॉपर होगा जो वंडा होता है। अच्छा, इसके अलावा कहीं बछड़े को घुमाने फिराने पाकिस्तान टूर पर नहीं लेके जाओगे? 30,000 दुबई लेके जाएंगे भाई, 30,000 रुपये आपका बछड़ा दुबई भी घूम के आएगा। ठीक है भाई, तो दूध ऐड हो जाएगा, यानी कि 30,000 वाली पढ़ाई पे, और 25,000 वाली पढ़ाई पे सिर्फ ओनली दूध नहीं है,
दूध नहीं है, वंडा है, वैक्सीनेशन है, सारी चीजें हैं। अच्छा वनडे में आप माशाल्लाह से, मैंने वनडे में तो माशाल्लाह से बहुत सारी इकसाम आती है, आप वंडा जो है वो किस तरह का वंडा प्रोवाइड करते हो? दलिया, टुकड़ा, चोकर और अपना बेकरी आइटम होता है, ये हम वनडे में देते हैं माल को। अच्छा इसके खल शामिल होता है इसमें? जी खल्ली भी शामिल होती है, और प्लस लोग बोलते हैं खल्ली से बादी होती है वो, उसका भी हमारे पास तरीका है, बादी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। उसके लिए हम हर 10 से 15 दिन बाद हरी चटनी लगती है। हरी चटनी? हरी चटनी होती है जो हम लोग समोसे में खाते हैं, हरी चटनी वो वाली? नहीं नहीं वो अलग, इनकी अलग बनती है। अच्छा अच्छा इनकी अलग बनती है भाई, वो समोसे वाली चटनी नहीं है, ये दूसरी हरी चटनी होती है, ठीक है। जानवरों की स्पेशल एक, जिनको हम लोग मसाला कहते हैं, जिनको हम लोग मसाला कहते हैं, तो वो मसाला दिया जाता है। मसाला एक अलग होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और मतलब इसका पेड़ा बनता है, वो फिर जानवर को दिया जाता। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि वनडे में सारी चीज़ें आप एक नंबर प्रोवाइड करते हो, सारी कोई मतलब, क्योंकि इसके अंदर भी आपको पता है सारी जो है वो, अब जैसे तूरी है, तूरी के अंदर भी ए से लेके सी तक क्वालिटी आती है। नहीं सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्लस मैं आपको वनडे की वीडियो भी दे दूंगा, आप चलें कभी इंशाल्लाह, फिर जो है वो मैं नेक्स्ट, इनके पास तो आना जाना लगा रहेगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको इनका वंडा भी चेक करवाऊंगा, और वंडे की भी एक खसूसी इसकी इंटरव्यू वीडियो में हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब जो है वो भाई, ये था इनका पलाई का जो है वो सर्विस। अच्छा नंबर अपना से वो करो शेयर, नंबर ये 0317-89-22119। और वैसे फेसबुक पे भी ये मशहूर है, और पीछे ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमद कैटल का जो है वो, आप पीछे भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप इनसे जो है वो रब्ता करें इंशाल्लाह ताला, रीज़नेबल पे और अच्छी पलाई जो है वो। और आपको पता है आजकल महंगाई है, तो हर जगह पे ही जो है वो रेट जो है वो जो अपर हैं और हाई हैं, प्लस तो जो अली भाई के रेफरेंस आएंगे उनको हम अच्छा डिस्काउंट देंगे। मतलब मेरे रेफरेंस से कोई आएगा तो मतलब 5,000 में पाल दोगे महीना? 2,000 में पाल देंगे। अच्छा तो 2,000 में भी पाल देंगे भाई, मेरे रेफरेंस से आओगे तो 2,000 में भी पाल देंगे। कहने का मकसद है कि भाई अगर मेरे रेफरेंस से आप लोग आएंगे तो 30,000 वाली पलाई है कि आपको हो सकता है मुमकिन है 27-28,000 में ये कर दें, मे भी मुमकिन है, बाकी जब आप आएंगे उस वक्त जो सिचुएशन होगी तो वो उस हिसाब से आपसे बात कर लेंगे। अब चलते हैं, मैं आपको जो है वो इनको मैंने जो जानवर दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और जो दो जानवर मेरे मजीद जो इनके बाड़े पर अभी आज जा रहे हैं किसी और पर जिनकी अमानत है उनको दे रहा हूँ, तो वो तीन जानवर भी दिखाता हूँ, इनका जो एक दो माल जो सेल का है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो अब मैं आपको जानवर की तरफ लेके चलता हूँ और जानवर आपको साथ शेयर करता हूँ। चले जी दोस्तों, ये माशाल्लाह से जो है वो राफे भाई का मेहमान। राफे भाई इधर आओ। राफे भाई माशाल्लाह से बच्चा आपको जो दिया माशाल्लाह से, ये बताओ कैसा बच्चे की, जिस तरह से आपको सारी कैटेगरी बच्चे की बताई थी वही मिला है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई कमी बेशी तो नहीं है बच्चे के अंदर। दोस्तों ये बच्चा जो है वो कल माशाल्लाह से पंजाब से आया है, और लोग जो बोल वजन बताया था उसी वजन पे आया है बच्चा, उसी वजन पे आया है, ठीक है। बच्चा माशाल्लाह से आपको पसंद है? बिल्कुल। दोस्तों तो पंजाब से ख़रीदारी करें, लेकिन थोड़ा सा समझबूझ के साथ करें, ऐसा नहीं है कि हर जानवर लंपी के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सामने हम कैटल का बोर्ड है, और थोड़ा सा बेटा बच्चे को घुमा के दिखाओ। ये बच्चा फोर सेल नहीं है, ये बच्चा इन्होंने भी किसी को पलाई पे दिया है और किसी को दिया है माशाल्लाह। ये भी अभी लोड होगा शायद, नहीं तो फिर देखते हैं। तो ये बच्चा कल आया शेखवान से, सॉरी शेखवान से नहीं पंजाब से आया, तो ये राफे भाई को दिया। राफे भाई आप एग्री हैं माशाल्लाह बच्चे को? कोई मसला तो नहीं है बच्चे के अंदर? चले जी थोड़ा सा चलाओ बेटा बच्चे को, देखिए बच्चे को। चले दोस्तों ये माशाल्लाह से दूसरा बच्चा जो है वो हमने मंगवाया है पंजाब से, ये अभी इसकी आपको लोडिंग दिखाएंगे इस बच्चे की, और एक बच्चा और है। ये माशाल्लाह से बच्चा मैंने ग्रुप में भी दिखाया था, तो ये बच्चा भी माशाल्लाह से आ गया, ब्यूटी ऑन द बेस्ट, अबलग बच्चा है माशाल्लाह एक नंबर, और बच्चे की माशाल्लाह से आप क्वालिटी चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अभी जमील मेमन रवाना होगा, फार्मर को देना है जिनका है, नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला एक ये बच्चा है और एक आपको और मैं दिखाता हूँ बच्चा, ठीक है, फिर इनकी लोडिंग भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। चलें दोस्तों ये माशाल्लाह से दूसरा बच्चा चेक करें, इसकी भी आपको लोडिंग दिखाएंगे अभी। ये दोनों बच्चे अभी जमील मेमन रवाना होंगे, माशाल्लाह से बच्चे की ब्यूटी चेक करें, नाव झालर बच्चे में किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पंजाब से आया है, और आज भी एक माशाल्लाह से जानवर आया, वो जो है वो मलिर मंडी पे माशाल्लाह से खड़ा हुआ है, तो वो किसी और फार्म पे जाएगा। तो ये बच्चे थे जो माशाल्लाह से आए हैं, और अभी इनकी आपको इंशाल्लाह लोडिंग दिखाते हैं, और आपकी बकराईद वाली याद जो है ना वो ताज़ा करवाते हैं। शौक देखना है तो फिर किंग कराची अली खान के साथ देखो, वरना देखो ही नहीं। माशाल्लाह 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 जी, ये गया 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 गया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब नहीं है माशाल्लाह, फुल मूड में माशाल्लाह, ले जाओ आगे। अच्छा दोस्तों ये राफे के पास फोर सेल बच्चा है माशाल्लाह, वज़न की मैं बात करूं
तो माशाल्लाह से इस वक्त जो है वो ये बच्चा जो है वो 10-10.5 मन मीट वेट के ऊपर बच्चा है और दांतों में 4 है और जट काला बच्चा है। बच्चे को देखें आप माशाल्लाह से, राफे का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, उसने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे को चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह फुल माशाल्लाह इस वक्त मस्ती में है बच्चा। माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये 4 सेल के लिए है, दांतों में 4 है, वज़न मैंने आपको बता दिया है। जिन भाई को भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो राफे से रابطہ कर सकते हैं या मुझसे भी रابطہ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं मेंशन कर दूंगा और राफे ने अपना फर्स्ट इंटरव्यू में नंबर मेंशन कर दिया है, स्क्रीन पे भी जो है वो भाई थोड़ा सा मुझे जो है वो थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसा नहीं मेरे ऊपर आ जाए। माशाल्लाह बच्चे की नाप झालर आप चेक करें बच्चे की, हर लिहाज से बच्चा जो है वो शौक़ के लिए माशाल्लाह से जो बच्चा है वो भरपूर शौक़ आप इसके साथ कर सकते हैं। फुल मस्ती में है बच्चा माशाल्लाह। बच्चे की कोहान चेक करें, बच्चे की सलामी चेक करें, झालर चेक करें, हर लिहाज से बच्चे को चेक करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें दोस्तों अब माशाल्लाह से आपको जो है वो ब्राह्मण बच्चा दिखा रहा हूँ। दांतों में ये अभी जस्ट रिसेंटली 2 हुआ है बच्चा, और वज़न की मैं आपको क्या बात करूं, वज़न में माशाल्लाह से बच्चा इस वक्त जो है वो 12-13-14 मन बच्चा गोश वज़न है और दांतों में अभी ये 2 हो रहा है माशाल्लाह से। ये भी 4 सेल है भाई, घुमा लेना उस तरफ से, ऐसे घुमा लेना माशाल्लाह से। बहुत VIP बच्चा है और बच्चे की उठान, बच्चे की भाई ले आना वापस ले आना, चेक करें बच्चे को माशाल्लाह से। ये भी 4 सेल है, राफे से रابطہ कर सकते हैं आप। माशाल्लाह बच्चा देखें, बच्चे को चेक करें माशाल्लाह, थोड़ा आगे लाना ऐसे। ये भी 4 सेल के लिए है, आप इससे जो है वो राफे से रابطہ करके इस बच्चे की डिटेल और बच्चे को अगर लाइव देखना है तो आप जो है वो यहाँ पर अयूब बोर्ड विज़िट कर सकते हैं। माशाल्लाह किसी चीज़ की बच्चे के अंदर कमी नहीं है, और अभी तो है वो रिसेंटली 2 दांत ये हुआ है बच्चा, तो जब ये 4 और 6 पर जाएगा तो फिर बच्चा भी जो है वो आपका और सबका नाम जो है वो रोशन ज़रूर करेगा माशाल्लाह। थोड़ा सा आगे लेके आना यार, बारिश वापस स्टार्ट है माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर, चेक करें बच्चे को। चलें दोस्तों एक बच्चा और है राफे के पास, ये भी 4 सेल के लिए, लाल नुकरे के अंदर, ठीक है। छोटा बच्चा है, दांतों में अभी 2 हुआ ही है और छोटी गोटी का बच्चा है, लेकिन बच्चा अच्छा है। थोड़ा सा घुमा लेना भाई, ये बच्चा भी आप चेक कर लें और राफे से जो है वो रابطہ कर सकते हैं। अगर पलाई के लिए भी आपने रखवाना है तो आप इसी से लेके पलाई भी करवा सकते हैं। बच्चा अच्छा है, नाप झालर बच्चे की अच्छी है, थोड़ा सा छोटी गोटी का बच्चा है, लेकिन बच्चा जो है वो बनने वाला है और अच्छी पलाई अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चा आपको शौक करके देगा। नुकरे में बच्चा है ये माशाल्लाह, और काफ़ी माशाल्लाह से खेलता कूदता बच्चा है, देख सकते हैं आप। अच्छी मोटी दुम का बच्चा है, नाप झालर भी अच्छी है बच्चे की। बाकी जो है वो जिस भाई की समझ में आता है तो वो राफे से रابطہ कर सकता है। ये भी 4 सेल के लिए, राजा। चले जी दोस्तों अब आपको दिखाते हैं लोडिंग। ये माशाल्लाह से लोड होने के लिए तैयार है, ये पहला बच्चा। पीछे जो है वो गुलाबी बच्चा भी आ रहा है, सॉरी अबलग बच्चा भी आ रहा है, ये भी लोड होगा। माशाल्लाह से आपको लोडिंग दिखाते हैं तीनों की और फिर इस व्लॉग का करेंगे एंड। तो इतने दिन बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त व्लॉग जो है वो आज बनाया है और इंशाल्लाह ताला अब चलते हैं लोडिंग की तरफ, आपको लोडिंग दिखाते हैं। चले जी दोस्तों बकराईद का मज़ा लें, ये हो रही है लोडिंग माशाल्लाह से। यार एक लत्ता मत रे तो खड़े उस्ताद, लत्ता खड़े दे सफा शरीफ यार, लत्ता खड़े तू, तू लत्ता खड़े दे, लत्ता खड़े गाने चढ़ी भी दो। थोड़ा सा बच्चा जो है वो तंग कर रहा है और यहाँ अब लग बच्चा भी मेरे पीछे खड़ा हुआ है माशाल्लाह, रेडी लोड होने के लिए। चले जी माशाल्लाह आराम से लोड हो गया, अभी आया अगला नेक्स्ट तूफान। वाकई भाई तूफान है ये। चलें जी ये भी माशाल्लाह से लो, ओ ओ ओ, ओ थोड़ा सा तंग कर रहा है भैया ने। एक मिनट देख के। चलें दोस्तों ये भी माशाल्लाह से लोड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह आराम से लोड हो गया ये भी। अब तीसरा बच्चा रह गया इंशाल्लाह, वो भी आपको लोडिंग दिखाते हैं। चले जी दोस्तों अब ये माशाल्लाह से अब लग तीसरा बच्चा जो है वो लोड होने के लिए तैयार है।
तो थोड़ा सा बच्चा जोड़ा है, चुलबुला है, लेकिन इंशाल्लाह ये भागा 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 भागा। हाँ शेर आया, चलो मेरा भाई, चल बच्चा जमूरा चढ़ जाओ ऊपर आराम से। बच्चे माशाल्लाह चुलबुले हैं भाई, जो बात है। चलो बेटा चढ़ जाओ, शराफत से तंग नहीं करते। ओए 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 उस्ताद, दो जाने पकड़ो, पीछे से एक मारो, थोड़ा सा आगे लो इसको। ये थोड़ा सा तंग करेगा चढ़ने में, लेकिन चढ़ाएंगे इंशाल्लाह इसको भी। ये जी चढ़ गया माशाल्लाह। ओए अच्छा चढ़ गया था, लेकिन यार थोड़ा सा बच गया। चले जी दोस्तों, माशाल्लाह से ये भी लोड हो गया माशाल्लाह। तीनों बच्चे माशाल्लाह से लोडिंग हो गई। बकरा की याद ताज़ा आपको करवा दी, और माशाल्लाह से अब ये जो है वो दो जमील में बन जाएंगे और एक गुलमोड़ सोसाइटी जाएगा। तो ये लोडिंग हो गई, आपको लोडिंग दिखा दी, अब करेंगे वीडियो का एंड। तो दोस्तों माशाल्लाह से लोडिंग देखी, और उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा बकरा ईद का। और बारिश माशाल्लाह से बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है, 7 बज रहे हैं शाम के। राफे परेशान है, पलाई पे जानवर नहीं आ रहे, तो पलाई पे जानवर दो ताकि फिर ये अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाए, दांत थोड़े से ज़्यादा बाहर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आज। आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे या दो दिन छोड़ के 3 दिन आपको व्लॉग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, मज़े मज़े के। तो बने रहिए मेरे चैनल किंग कराची अली खान पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके। राफी अपना नंबर एक बार और मेंशन करो जल्दी से। मेरा नंबर 03178922119। बाकी बोर्ड पे दिखा दो, लिखा बाकी बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, सीधे कैमरे से दिखाओ, उल्टा देख रहा नजर आ रहा है वो लोग, बाकी आपको कराची के लोग देख लेते हैं, टेंशन नहीं। बाकी राफे आप माशाल्लाह से, एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? 19 साल उम्र है माशाल्लाह से। कौन सी स्कूल में पढ़े हुए? प्रोग्रामर स्कूल में माशाल्लाह से इन्होंने तालीम हासिल की, और वहाँ से ही जो है वो इन्होंने बाड़े का काम भी सीखा स्कूल से। नहीं ये खुद सीखा है आपने? हाँ। ठीक है भाई दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला राफे से आप मुलाकात करें, आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा, और इनके फार्म पे हैं, विजिट करें माशाल्लाह से, भरपूर शौक करें 12 महीने। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।